तो गाइस पॉपुलैरिटी आखिर इसे पाने के लिए क्या क्या नहीं करते लोग। यस, तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा ही बताने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। देखो यार, यहाँ दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो मेहनत करते हैं, पॉपुलर होते हैं ऑन सोशल मीडिया, मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, और दूसरे वो लोग जो कंट्रोवर्सी करने में लगे रहते हैं, फालतू बावली हरकतें करते रहते हैं और फिर लोगों से गालियां खाते हैं। ऐसे में कुछ लोग वो भी होते हैं जो कुछ बाबलों के चक्कर में दो चार दिन के लिए पॉपुलर तो हो जाते हैं लेकिन फिर धड़ाम से गिर जाते हैं, क्योंकि इनके पल्ले में तो कुछ होता नहीं और एंड में इन्हें मिलता क्या है, कद्दू। लाइक अपनी रानू मंडल और अपने कच्चा बादाम वाले अंकल। बादाम बादाम है दादा का चाह बादाम, भजा बादाम। और यार अपनी रानू मंडल ने कम से कम गाया बजाया कमाया तो, लेकिन अपने कच्चा बादाम वाले अंकल ने तो सिर्फ गाया बजाया, कमाया किसी और ने। खालो कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, खालो कच्चा बादाम। तो आज मैं तुम्हें मिलाने वाला हूँ ऐसे ही किसी से, रिदम चन्ना चन्ना मेरे, चन्ना मेरे, आ मेरे आ। वाला नहीं जिसे आजकल लोग उर्फी जावेद 2.0 भी बोल रहे हैं, यानी उर्फी जावेद बनने की एक सस्ती कोशिश। तो यार सोचो, क्या हो तुम अपने मम्मी पापा के साथ मस्त मेट्रो में सफर कर रहे हो और इतने में एक लड़की बिकनी पहन के तुम्हारी बगल वाली सीट पे बैठ जाए, जो कि यार बिकनी है या फिर उससे भी कुछ कम वो भी न समझ आए। तो सोचो तुम्हारी कंडीशन उस समय क्या हो जाए, नहीं मतलब लाइफ बन जाए, घर वालों और लड़की के साथ भजन कीर्तन हो जाए, बैकग्राउंड में मस्त मंदिर की घंटियां बज जाए, मतलब मजा सा आ जाए, क्या नहीं आए। लेकिन कुछ लोगों को तो आ रहा है और ऐसे लोगों को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, आथू। अब ऐसे में क्या ही मजा आ जाए, मेरे घर वालों को तो सीधा हार्ट अटैक ही आ जाए, और जब वो ही निपट जाए तो हम भी जिंदा रह के क्या ही करेंगे, हम सोचेंगे हम भी निपट जाए। इन शॉर्ट, एक लड़की की ऐसी हरकत है जिसे वो प्राइवेसी, चॉइस और फ्रीडम बोल रही है, उसके चक्कर में एक बंदे का पूरा खानदान ही निपट जाए। और अब तुम बोलोगे ऐसा कोई लौंडा भी तो कर सकता है, लेकिन उसे मेट्रो में घुसने तक लोग जिंदा ही कहां छोड़ेंगे, दो चाटे तो ऑटो वाला ही बिठाने से पहले पेल देगा। और कुछ ऐसा ही किया है इन मैडम ने, वो भी दिल्ली मेट्रो में। ये मैडम मस्त बिकनी पहन के मेट्रो में जाती और लोगों के बीच बैठ जाती हैं। टी हार्ट INA है, यहाँ पिंक लाइन के लिए बदलें। और फिर कोई वीडियो बना लेता है जिससे ये वायरल हो जाती हैं। और ये वीडियो ये बनवा लेती हैं या फिर कोई बना लेता है इसका पता नहीं। और अब इन्हें पड़ रही हैं दवा की गालियां और तालियां भी, और तालियां पड़ रही हैं इट्स अ चॉइस बोल के, उसकी मर्जी, उसकी प्राइवेसी, तुम्हारा क्या। सुन मेरी बात, It's her choice. और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कैसी प्राइवेसी है जो दूसरों को प्राइवेट रूम में भागने पे मजबूर कर रही है। और फिर यहाँ पे आ जाता है वुमन एम्पावरमेंट, कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ आज ही मेरा कद्दू का एम्पावरमेंट, ऐसे तो कल से मैं भी रोड पे नंगा घूमता हूँ, फिर मुझे भी दे दो थोड़ा सा एम्पावरमेंट। पर तो कल ही सपोर्ट करने वाले भी आके मेरी कमर तोड़ने में सपोर्ट करेंगे, अगर मोहल्ले वाले छोड़ देंगे तो। हाँ हेलो शर्मा जी, अरे आपका तो लौंडा बेस्ट हो गया। क्या क्या नहीं, हाँ हाँ वो मोहल्ले में नंगा घूम रहा था। नहीं यार, इन कुछ लोगों की वजह से आजकल वुमन एम्पावरमेंट तो वुमन वाला मीम ही बन के रह गया है। नहीं यार, क्या हो रहा है आजकल, वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे कैब ड्राइवर को पीट देना, मेट्रो में बल्गैरिटी दिखा के लोगों को अनकंफर्टेबल कर देना, वाह यही तो है वुमन एम्पावरमेंट। क्या सही जा रहे हैं हम लोग, क्या देश है मेरा, सही में हमारी तो पार्टी हो रही है, देखो यार। माना कि एक लड़का या लड़की वो जो पहनता है वो उसकी मर्जी, उसकी फ्रीडम है, लेकिन बल्गैरिटी और फैशन में फर्क होता है। पब्लिक में गंद मचा के खुद को सबसे ऊपर दिखाना, लिटरेट अंग्रेज दिखाने को फ्रीडम और चॉइस नहीं कहते, ऐसे लोगों को सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, चूतिया। और इस सपोर्ट करने वाली रेस में कुछ गधे घोड़े बनने में लगे हुए हैं और इस कदर लगे हुए हैं कि इस बल्गैरिटी को साधु और योगियों से कंपेयर कर रहे हैं, वाह। नहीं मतलब सुबह सुबह नाश्ते में सलाजीत कान से पी जाते हो क्या, या खिचड़ी में दही डाल के नाक से खा जाते हो, मतलब अपने आप को सुपीरियर ओवर स्मार्ट गधा दिखाने के लिए कुछ भी कुछ भी
कुछ भी। इनको योगी साधु होने का मतलब भी नहीं पता होगा, बकवास बेलने में लगे। साधु होने का मतलब है मटेरियलिस्टिक लाइफ का त्याग, साधना, ऊपर वाले के लिए सब कुछ छोड़ देना। और उसमें ये तुम्हारा बल्गर फैशन क्या है? खाली कद्दू तुम्हारे दिमाग की तरह, क्योंकि वो भी खाली है, इसीलिए वो साधु है और उनकी इज्जत है और तुम्हारी बेइज्जती। और कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं कि यार इससे आखिर सजा कैसे हो सकती है, ये तो बढ़िया कर रही है। यस लेट्स गो बेबी। अबे गंजेड़ी तू ज्यादा नेता ना बन। अगर तुम पब्लिक प्लेस में प्लास्टिक का 5 वाला टॉय वाला तमंचा लेके भी जाते हो ना और उसे दिखाते भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग उससे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो भी सजा हो सकती है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, तुमको जो पहनना है पहनो, जितना छोटा पहनना है पहनो, लेकिन विद नो वल्गैरिटी। इंस्टाग्राम की रील की तरह नहीं, किलो थोड़ा और हिला लेती हूँ 1 मिलियन ही हो जाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है तुम्हारे बाप का घर नहीं। हाँ ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं। और ये दीदी जगह जगह इंटरव्यू भी देती फिर रही हैं, और मीडिया चैनल्स तो हैं टलुआ, जहाँ ये बोल रही है मैंने तो कभी चाहा ही नहीं मेरी वीडियो बने, मैं वायरल हूँ। अरे फिर ये क्या है, द वायरल दिल्ली मेट्रो गर्ल। वाह, अरे तुमको तो चाहिए नहीं था ना कुछ भी। और ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी तो देखो, इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये पॉपुलर होने वाला ही नशा है। इनको लग रहा है ये बनेंगी इन्फ्लुएंसर प्रिंसेस, लेकिन रह गई है बनके दुकान ऑफ क्रिंजनेस। तो गाइस ये था कुछ आज का वीडियो, और ये वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, तो प्लीज अगर आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।